आज हम समझाएंगे सीजी से एक न्यूमेरिकल जो आई सेक्शन है, एक प्रॉब्लम है। आई सेक्शन का जो बॉटम फ्लेंज है, इसको हम लोग बॉटम फ्लेंज बोलेंगे। इसका वो डायमेंशन दिया है, और इसको टॉप टॉप फ्लेंज बोलेंगे। तो इसका ये डायमेंशन है, और इसको वेब बोलेंगे जिसका लेंथ और थिकनेस है। तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा इसका जो सीजी है टोटल फिगर का, वो निकालेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे जो इस फिगर पे दो एक्सिस कंसीडर करेंगे, एक वाई और एक एक्स। और इस फिगर पे वाई एक्सिस से हम लोग का जो फिगर होगा वो वाई एक्सिस में सिमेट्रिक होगा। मतलब उस फिगर को अगर काट करेंगे वाई एक्सिस पे, तो दो सेम पोर्शन हम लोग को मिलेगा। तो पहले हम लोग लिख सकते हैं दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इस फिगर हम लोग का वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। तो हम लोग एक्स बार इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं टोटल जो इसका लेंथ होगा उसका हाफ, मतलब 250 डिवाइडेड 2, मतलब 125 mm। उसके बाद हम लोग का तीन सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। सेक्शन वन, इसको हम लोग सेक्शन टू से कंसीडर किए हैं, और इसको सेक्शन थ्री। तो हम लोग का एक्स वन और हर एक का एरिया और एक्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फॉर सेक्शन वन के लिए ए वन कितना होगा, 250 × 100, 2500 mm². और इसके बाद हम लोग का y1 कितना होगा, 100/2, मतलब इस एक्सिस पे, इस सेक्शन पे इसका जो हाफ होगा, तो मतलब 100/2, 50 mm। उसके बाद हम लोग को फॉर सेक्शन टू के लिए, इस सेक्शन के लिए A2 कितना होगा, A2 इज इक्वल टू 400 × 50, 20,000 mm². और Y2 कितना होगा, Y2 होगा 400 का जो हाफ होगा, और प्लस 100 प्लस 400/2, मतलब 300 mm। फॉर सेक्शन थ्री के लिए क्या होगा, थ्री का A3 कितना होगा, A3 होगा 150 × 50, 7500 mm². और हम लोग का Y3 कितना होगा, Y3 100 + 100 + 400 + 50 का हाफ, मतलब 525 mm। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का एक्स बार निकल गया है, एक्स बार कितना होगा ना, एक्स बार है हम लोग का इसका मतलब जो हाफ होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स बार इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना है, 125 mm। तो हम लोग का एक्स बार कितना निकला है, एक्स बार इज इक्वल टू 125। हम लोग का 111 y2 y3 निकल गया है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड a1 प्लस a2 प्लस a3। हम लोग का a1 कितना निकला है, a1 निकला है 20,000 इंटू y1 कितना है, y1 है 50 प्लस a2 कितना है, हम लोग का a2 है हम लोग का 20,000 25,000 है, और A2 है 20,000 इंटू हम लोग का Y2 का वैल्यू कितना है, 300 प्लस
प्लस ए थ्री हम लोग का कितना है, ए थ्री है 7500 इंटू वाई थ्री का वैल्यू कितना है 525 डिवाइडेड, ए वन कितना है, ए वन है हम लोग का 25000 प्लस वाई टू कितना है 20000 प्लस वाई ए थ्री कितना है 7500। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 113.09 mm। ये हो गया हम लोग का वाई बार। वाई बार मतलब जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगा उसका कितना है वैल्यू 213.09। मतलब अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये जीरो पॉइंट है तो ये 100 हो गया, 200 हो गया और इतना तक। इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं वाई बार, वाई बार इज गट टू 213.09 mm। तो हम लोग का सी जी कौन सा पॉइंट पे जाएगा, ए हम लोग का सी जी इस फिगर के लिए, इसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे। और इस फिगर के लिए हम लोग का कैलकुलेशन क्या हो गया, हम लोग का जो एक्स बार होगा 125 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना होगा 213.09। ये हम लोग का आई सेक्शन का कैलकुलेशन। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो तुम लोग शेयर करोगे तो तुम लोग का फ्रेंड को पता चलेगा मैकेनिकल का हर एक सब्जेक्ट और उसका हर एक टॉपिक तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना फ्रेंड्स सर्कल पे। थैंक यू।